याकूब की पत्री दूसरा अध्याय। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा, इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है।